अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम एंड आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज एज वेल। सो स्टूडेंट, एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने अपने सब यूनिट की अ नाइट इन जून की रीडिंग कर ली थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट इट्स वर्ड मीनिंग एंड वर्ड्स एंड टेंसेस ऑफ आवर इंग्लिश नोटबुक। सो फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर इंग्लिश नोटबुक। सबसे पहले आप उसका इंडेक्स पेज निकालेंगे, ठीक है, और हम पहले उसका इंडेक्स लिखेंगे। जैसे कि आप यूनिट नंबर वन की एक्सरसाइज सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट लाइन पे आपने जो है वो नंबरिंग करनी है। यहाँ पे सीरियल नंबर फोर की डेट लगाएंगे आज की 16/3/21, और यहाँ पे आप लिखेंगे सब टॉपिक, और क्या नेम है आपके सब टॉपिक का, अ नाइट इन जून, ठीक है। हेडिंग देने के बाद, क्योंकि हम इसके वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, तो आप हेडिंग दे यहाँ पे लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स एंड वर्ड्स सेंटेंसेस, ठीक है। और वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस आपके जिन पेजेस पर आ रहे होंगे वो पेजेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव पेजेस लिख देंगे, कौन कौन सा, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, ठीक है। इंडेक्स हमारा हो गया है, अब हम अपनी नोटबुक का पेज रेडी करेंगे। सबसे पहले ऊपर हम आज का डे लिखेंगे, क्लास फोर डे वाले सेक्शन में आज डे लिखेंगे। क्या है हमारा, ट्यूसडे, और डेट क्या है हमारी आज, 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देंगे अपने सब टॉपिक की हेडिंग नीट हैंड राइटिंग में। तो क्या नाम था हमारे सब टॉपिक का, अ नाइट इन जून, ठीक है। तो इसको इन्वर्टेड कोमास में कर दें। चलें, अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स मीनिंग्स की हेडिंग दें ऊपर, ठीक है, और आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से, ठीक है। अब वन बाय वन हम वर्ड्स लिखते हैं और साथ में उनका मीनिंग राइट करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा पाइपिंग, PIPING, पाइपिंग। पाइपिंग का मतलब है चहचहाना, तो यहाँ पे उर्दू में आप लिखेंगे चहचहाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोवेरियन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोवेरियन, SOVERIGN, सोवेरियन, ठीक है, नीट हैंड राइटिंग में, और इसका मतलब होता है आला, ठीक है। थर्ड वर्ड है हमारा गशेस, GUSHES, गशेस। गशेस का मतलब होता है बहना, जैसे कि वाटर गशेस इन द स्ट्रीम, पानी जो है वो नदी में बहता है। उसके बाद है येट, येट का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था अभी तक, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अभी तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिल, ये तो बहुत आसान है, फिल का क्या मतलब होता है, भरना, ठीक है, से फिल द ग्लास विद वाटर, फिल द बॉटल विद वाटर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया भरना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रश, THRUSH, थ्रश। थ्रश का मतलब होता है छोटी चिड़िया, और बेसिकली स्टूडेंट ये जो ये चिड़िया होती है ना, ये बर्ड है, ये ज़्यादातर अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, चिड़िया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंड, विंड भी बहुत ईजी है, क्या मतलब होता है विंड का, हवा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, हवा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुकूस, CUCKOO, कुकू हम किसे कहते हैं, कोयल को, आप लोगों ने देखी ब्लैक कलर की छोटी सी चिड़िया होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर, POUR, पोर का मतलब होता है डालना या फिर उंडेलना, ठीक है, दोनों वर्ड आप इसके लिख दें, डालना भी और उंडेलना भी। चले, यहाँ पे हमारा पेज ख़त्म हो गया, लेकिन एक मीनिंग हमारा रह गया, तो हम निकालेंगे अपना नेक्स्ट पेज। एज यू नो स्टूडेंट, वी आर यूजिंग अनदर पेज, इसलिए हम उस पेज पे भी डे और डेट दोनों लगा लेंगे। और डेट क्या है हमारी,
16, ठीक है। एक मीनिंग रह गया, तो इट्स मीन हम यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वर्ड हमारा रह गया, दैट इज फार ऑफ। फार ऑफ का क्या मतलब होता है? दूर की, यानी कि कोई चीज़ जो है वो हमसे फार ऑफ है। चले, यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप यहाँ पे एक एंडिंग लाइन लगा देंगे और नीचे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके वर्ड्स सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा सेट, SET, सेट। सेट का मतलब है गुरूब होना। तो इसका हम सेंटेंस लिखेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि जो सूरज है वो वेस्ट में गुरूब होता है, ठीक है। सेकेंड हमारा वर्ड है, दैट इज अमंग। अमंग का मतलब होता है के दरमियान, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस लिखेंगे, शी लुक्स एक्टिव अमंग हर फ्रेंड्स, कि वो अपनी दोस्तों में बहुत एक्टिव नज़र आती है, ठीक है। शी लुक्स एक्टिव अमंग हर फ्रेंड्स। तो थर्ड वर्ड है हमारा गशिस, GUSH, गशिस का क्या मतलब था? बहना, ठीक है। तो इसका हम इजी सा लिख लेंगे, द वाटर गशिस इन द पाइप, ठीक है। इन द पाइप लिख गए, इन द रिवर लिख दें, इन द स्ट्रीम लिख लें, जो मर्जी लिख लें, चॉइस इज योर्स, ठीक है, कि पानी जो है वो पाइप में बह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्ड होलो। होलो का मतलब होता है खाली या फिर खोखला, ठीक है। तो इसका हम लिख देंगे, द माउस लिव्स इन अ होलो बॉक्स, कि जो चूहा है वो एक खाली डब्बे में रहता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट वर्ड है हमारा फार ऑफ, ठीक है। फार ऑफ का क्या मतलब होता है? दूर की, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे, अ फार ऑफ ट्रेन, यानी दूर कहीं जो ट्रेन है, कैन बी हर्ड इन द नाइट, यानी कि दूर कहीं ट्रेन की जो आवाज़ है वो रात के टाइम सुनाई देती है, क्योंकि रात को आपको पता है ना कि इतना शोर नहीं होता, तो हमें कई जो आवाज़ें हैं वो रात को आ रही होती हैं। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि दूर की ट्रेन की आवाज़ भी रात को आ रही होती है। तो स्टूडेंट, वी हैव कम्प्लीटेड आवर टूडेज वर्क। क्या किया है आज हमने? अपने सब टॉपिक के वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस। तो आपने क्या करना है, नीटली इंडेक्स लिखना है और अपना वर्क जो है वो नोटबुक पे लिख के, पेज नंबर लाजमी लिखे हुए हों आपके, लिखने के बाद आपने इनको याद करना है और लाजमी एक दफ़ा रफली प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।